साहिवाल में कत्ल केस में तफ्तीश के लिए लाए गए मुबैना मुलजिम की खुदकशी, वाकया ने पुलिस कारकर्दगी पर कई सवाल उठा दिए। मुबैना मुलजिम अफजल को गुज़िश्ता माह होने वाले कत्ल के एक मुकदमा में पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुलजिम अफजल ने पुलिस हिरासत से फरार होकर थाने के साथ वाली गली में खुदकशी कर ली। वाकया की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मुबैना मुलजिम अफजल के पास गन कहां से आई? हिरासत के वक्त दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुलजिम को क्यों चेक नहीं किया? पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आरपीओ हुमायूं बशीर तारर और डीपीओ साहिवाल अली जिया ने थाना फ्री टाउन में पहुंचकर एसएचओ, दो मुहर्रान समेत 6 पुलिस मुलाजमीन मुअत्तल करके वाकया की इंक्वायरी के लिए 2 डीएसपी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बना दी। डीपीओ अली जिया का कहना है कि वाकया बजाहिर खुदकशी का मामला लगता है, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, तहकीकात के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। जबकि कत्ल के मुकदमा में जेर हिरासत मुलजिम अफजल के वर्सा ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने अफजल को तशद्दुद करके कत्ल किया है। इन्होंने डीएसपी है जेड़ा 60 लाख पर पता मांगदा रहा, ए मेरा ड्राइवर कत्ल कर देता। कैमरा टीम के हमराह मोहम्मद अफजल खान, बावे पाकिस्तान न्यूज चैनल, साहिवाल।